एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और सुबह के 8:30 बज रहे हैं और दिन है आज बृहस्पतिवार का। और मैं अपनी किचन में आ चुकी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं सोच रही थी बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, पराठा बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो शैरी कहने लगी कि मम्मा वो बना दो, अंडा टोस्ट बना दो। और शैरी और गुड्डू को काफ़ी पसंद है अंडा टोस्ट, तो आज मैं वही बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी अंडा टोस्ट। और पहले भी मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है अलग तरीके से बना के खिलाओ बच्चों को, अंडा ब्रेड जो होता है तो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। है तो ये अंडा ब्रेड ही, लेकिन मैं इसको कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए, बच्चों को खूब पसंद आएगा और आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी। और देखिए दोस्तों, दो शेप तो मैंने ऐसे काट लिए हैं इसकी, और बाकी मैं इसको ऐसे काटूँगी। और जितनी अलग अलग शेप होती हैं बच्चों को उतना ही ज़्यादा पसंद आता है ये, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और शायरी को तो कुछ चीज़ें ऐसी ज़्यादा ही पसंद आती है जिनमें थोड़ा सा वो होता है, मम्मी ये डिज़ाइन इसका ऐसा है। पराठे भी कई बार ये ऐसे बोलती है, मम्मी ये वाला पराठा ऐसे करके बनाओ, ये वाला चौकोर बनाओ, ये वाला ऐसा बनाओ। तो पराठे भी मैं इसकी पसंद के बनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने इनकी अलग अलग शेप काट ली है और इस ब्रेड को भी काट लूँगी। तो देखिए, ये हमने ऐसे काट लिया है। और अब हम जो हमने दो अंडे लिए हैं, और इसके अंदर मैं मिला लूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च। और बच्चे तो थोड़ा कम ही लाल मिर्च खाते हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए कम ही डालना चाहिए, इसलिए मैंने कम ही डाला है। तो देखिए मैंने कर दिया है। और अब मैं अंडे को अच्छे से फेंट लूँगी। और अगर आप चाहें तो इसमें हल्के हल्के से प्याज, टमाटर, थोड़ी सी हरी सब्जियाँ भी मिला के डाल सकते हैं, लेकिन शहरी को सिंपल पसंद है तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ उसके लिए। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ सब्जी वगैरह। तो देखिए दोस्तों, इसका मैंने अंडे का वो घोल बना लिया है। और अब इसको हम अच्छे से डिप कर लेंगे इसके अंदर। इतने मैं ये डिप कर रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। इतने तेल गर्म होगा इतने मैं इसको ये डिप कर देती हूँ, और बाकी और भी डाल देती हूँ मैं। तो देखिए मैंने अलग अलग शेप काट लिए। तो ये देखिए, इसको ऐसे डाल देंगे। और आप इसको किसी भी उसमें बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं आप, घी में भी बना सकते हैं आप। मैं वैसे ज़्यादातर देसी घी में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं सरसों के तेल में बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सरसों के तेल में बना लिया है। और आप भी अपने बच्चों को एक बार ये बना के खिलाइएगा, तो आपके बच्चे भी काफ़ी पसंद करेंगे इसको। तो देखिए अलग अलग शेप है, तो बच्चों को खुद ही अच्छा लगता है खाने में कि ये मम्मी ने आज क्या बना दिया है, तो बच्चों का मन होता है ऐसे खाने के लिए। तो आप इसको पलट दे देंगे, ये देखिए। और एक हाथ से फोन पकड़ना और एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी स्टिक भी टूट गई है और अभी मार्केट जाना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से मैं मार्केट नहीं जा पाती हूँ। और ब्लॉग भी हमारे जो है वो कई बार हम सोचते हैं कि बाहर जाके कुछ ब्लॉग बनाएं, तो इस वजह से हम बाहर के ब्लॉग भी नहीं बना पाते हैं। तो कोई बात नहीं, जब उनकी छुट्टी आऊँगी तो हम आपको बाहर के भी ब्लॉग दिखाएँगे, अच्छे अच्छे दिखाएँगे, और बहुत सारी जगह घुमाएँगे आपको हम दिल्ली में। और बच्चे भी कई बार कहते हैं मम्मी कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, लेकिन जब उनकी छुट्टी नहीं होती है तो हम कहाँ घूमने जाएं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जब छुट्टी मिलेगी जब हम आपको बाहर के ब्लॉग भी दिखाएंगे। तो देखिए बन गया है बच्चों के लिए टेस्टी टेस्टी नाश्ता। और बस अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो बन चुके हैं टोस्ट बच्चों के लिए, और अब बच्चों को सॉस दे देते हैं। और स्माइली बना रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने शहरी को नाश्ता दे दिया है, शहरी नाश्ता कर रही है, और ये शहरी का फेवरेट नाश्ता है। अच्छा लग रहा है शहरी, टेस्टी है। तो चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं आपसे। ये मम्मी से भी पूछते हैं मम्मी को टोस्ट कैसे लग रहा है, और मम्मी पहली बार ही खा रही है। सही लग रहे हैं? सही लग रहा है, पहली बार खा रहे हैं। हरी मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्च डाली, लाल मिर्च डाली है। मुझे लाल दिख रही ना, पीली दिख रही, हरी दिखती है भाई। और देखिए कहाँ मम्मी, एक नकल तो मम्मी ने निकाल दी है कि हरी मिर्च नहीं है।
तो मेरे को फ्री लाल लाल भाई अंडे में तो हरी अच्छी लगती है। मेरे को भी डाल जो बाबरची भी होता है ना, बाबरची बोले हैं क्या बोले हैं, वो भी हरी डालते हैं ज्यादातर। तो ये दोनों दादी पोती मिल गई हैं और मेरी बुराई निकाल रही हैं। नहीं बुराई नहीं निकाल रहे, कमी निकाल रहे। हाँ हाँ कमी निकाल रहे हैं वही। तो देखिए मम्मी यहाँ पर खा रही है और मम्मी ने यहाँ पर नकल भी निकाल दी है कि इसमें क्या क्या कमी बता दी है टोस्ट में। तो सास कौन कहेगा? हाँ नकल नहीं निकालोगे तो सास कौन कहेगा? ये बच्चों की डिश है, ये बच्चों के लिए बनाने वाली चीज़ है जो बच्चे मजे मजे में खा लें सॉस के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुबह का चाय नाश्ता हो चुका है और अंडा टोस्ट बना लिए थे तो मम्मी को भी वही दे दिए हैं और बच्चों ने भी वही खा लिए। और बस अब मैंने सबसे पहले अंडा टोस्ट बनाया था और उसके बाद मैंने सबको देने के बाद सबसे पहले अपनी किचन साफ़ करी है क्योंकि सुबह का नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो किचन के बर्तन वगैरह हो जाते हैं, तो वो सारे मैंने मांझ लिए और अभी मैंने टप में ही रख लिए हैं और इनको अभी सूख जाएंगे जब, तो जब मैं इनमें लगा दूँगी, इसको रैक में लगा दूँगी। और ये रैक भी अभी मेरे को थोड़ा साफ़ करना है। तो अब बस मैं मम्मी के कमरे में चलती हूँ क्योंकि दोनों दादी पोती बैठी हुई हैं वहाँ पर और शहरी मम्मी से कुछ कुछ बातें पूछ रही है, मम्मी तुम बचपन में क्या करते थे? तो चलिए मम्मी के ही कमरे में चलते हैं, फिर उसके बाद मैं छत पर भी जाऊँगी और देख के आऊँगी कि क्या क्या काम हो रहा है ऊपर। और आज से हमारे ऊपर वाले कमरे में टाइल्स वगैरह लग रही है तो मैं वो भी अभी देख के आती हूँ कि कितना कर दिया है भैया ने, कितनी लगा दी है टाइल। दोस्तों छत पर मैं आ गई हूँ और पहले लाइटें जला लेती हूँ और अभी इधर की लाइट लग पाई है, अभी इधर की नहीं लगी है क्योंकि इधर का बोर्ड अभी लगा नहीं है, तो उधर की लाइटें फिर बाद में लगेंगी। और ये टाइल्स भैया ने लगा दिए हैं यहाँ पर, अभी बिछा के देखी हैं, शाम तक लग जाएंगी पूरी। तो चलिए मैं यही देखने आई थी यहाँ पर कितना काम हुआ है, अब चलते हैं नीचे। ये आंचल का बना रही हूँ छोटी पोती। अच्छा, और ये बार बार उधेड़ रही हो फिर बना रही हो? ये बचाए कर जा, बार बार पहले उधेड़ रही हो फिर बना रही हो, क्या करे भाई, यही काम है, नहीं बनता सही। अच्छा। याददाश्त हमारी कम हो रही है। अच्छा, कोशिश करती हूँ, जा रही है कोशिश करने में, क्या है। और मम्मी बना ले मेरा ऐसा, और ये है कि स्वेटर तेरी जैकेट बना दूंगी मैं, देख ले, उतार दूंगी आज, उतार दूंगी कल, कर दूंगी शीशा के से तैयार। मम्मी तुमको स्वेटर बनाने किसने सिखाया ये बताओ? स्वेटर बनाना मेरी माँ ने सिखाया। और तुम बचपन में अपनी क्या क्या करती थी ये भी बताओ? बचपन में? हाँ बचपन में हम स्कूल जाते थे। हाँ स्वेटर बनाने किसने सिखाया? तुम्हें बचपन में कौन कौन सा खेल खेले? खेल हमने सारे खेल है सारे। हाँ अब तू तेरे को नाम बताऊंगी, तू नाम नहीं जानेगी। नहीं नहीं, लंगड़ी टांग तो मैंने भी खेली है, रस्सा हमने टापा उल्टा सीधा, रस्सा टापा। अच्छा, और तुम पहल दूज कहते थे। हाँ। लंगड़ी टांग बोलो जिसे तुम। हाँ। कंचे हमने खेले, डिबरी हमने खेली, क्या डिबरी क्या होती है? हाँ। कैंपा के वो नहीं होती है ढक्कन? हाँ, ढक्कन के अंदर जो कार्ड होते हैं। हाँ उससे हमने खेले। देखिए ये हमारे मिस्त्री भैया है और ये अपने गांव जा रहे हैं। भैया कितने दिन के लिए जा रहे हो? एक हफ्ते बहुत हो गया। अच्छा, और मम्मी कुछ मंगा रही है तुम्हें अपने गाँव से, लिया ना ले आएंगे ना? ये रही मम्मी, आ जाओ। साग बेगम से? हाँ हाँ, कौन सी साग? बत्तू का, रेची का? हाँ सारा ले आइए तू। हाँ तो दोनों मिक्स में आएगा। हाँ सरसों भी ले आइए। हाँ तो वही बोलते हैं उसको, रेची सरसों जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ बतुआ भी ले आइए। वो तो तीतापन होता है वहाँ का, जो ओरिजिनल होता है। साग बना खिलाएंगे फिर तेरे को। ठीक है ठीक है। क्या बज रहा है? एक, और इधर बन रहा है मेरा कैमी साग। हाँ, और इधर बन रही है रोटी मक्की की, नहीं सिंपल। और दोस्तों जितना साग बासी हो जाता है अगले दिन का होता है उतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। हाँ। तो हम जब साग बनाते हैं तो हम दो तीन दिन तक खाते हैं उस साग को क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी होता चला जाता है, उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना बासी साग होगा उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ। तो हमारे घर में जो है ऐसे ही खाते हैं। तो देखिए अब इतना बच गया था तो अब मैं मम्मी के लिए रोटी डाल रही हूँ दोपहर की, और अब मम्मी को साग गर्म करके दे दी। देखिए दोपहर का बज रहा है 1:30 और बच्चे कह रहे हैं हमको साग नहीं खाना, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए मैक्रोनी बना देती हूँ। तो मैक्रोनी मैंने उबाल लिया है हल्का सा, इसमें मैंने एक चम्मच तेल डाल के और नमक डाल के मैक्रोनी उबाल लिया है और गल चुकी है मैक्रोनी। और इसमें मैं डालूंगी प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर क्योंकि ऐसी चीज़ों में बच्चों को हरी सब्जी डाल के देनी चाहिए जो बच्चे हरी सब्जी भी खा ले, इसी बहाने से बच्चे हरी सब्जी भी खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेल
और तेल डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूंगी हींग। और हाँ, मैंने मैक्रोनी में डालने के लिए ये पास्ता मसाला भी मंगा लिया था, इससे और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। और अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज। तो देख लेते हैं, तेल हो गया है। दोस्तों, ये चीज़ें जो होती हैं बच्चों को कभी कभी खिलानी चाहिए, रोज रोज भी नहीं खिलानी चाहिए। और मैं ये ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं इसको कभी कभार ही बनाती हूँ। तो बच्चे साग नहीं खा रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए बच्चों के लिए मैक्रोनी बना देती हूँ, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। तो बस अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब इसमें डाल देंगे टमाटर, और ये मैंने एक टमाटर काट लिया है। देखिए, सब्जी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें फटाफट मसाले डाल देती हूँ, और थोड़ी सी डाल दूँगी मैं इसमें लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि मैंने जब मैक्रोनी उबाली है तो जब भी उसमें नमक डाला है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कम डालूंगी। और थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर, और हल्का सा गरम मसाला डालूंगी मैं, क्योंकि गरम मसाला थोड़ा तेज होता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा मिर्च हो जाती है। और बाकी मैं इसमें डाल दूंगी ये जो पास्ता मसाला है। हाँ, और देखती हूँ, एक पैकेट बहुत रहेगा या दो पैकेट बहुत रहेंगे, उस हिसाब से मैं बाद में और ऊपर से डाल दूंगी, क्योंकि मैं पहली बार ही ये वाला मसाला डाल रही हूँ, तो इसका मुझे पता नहीं है कितना तेज होता है ये। तो बस अब इसके अंदर डाल देते हैं मैक्रोनी। वाओ वाओ, और बच्चों को तो ऐसी चीजें वाओ लगती हैं, जब बच्चों को खाना देते हैं बच्चे कहते हैं मम्मा आज ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया। जैसे मैं अब साग दे रही थी, तो बच्चों ने बोला हमें ये नहीं खाना, साग नहीं खाना, है ना। हाँ। और मैक्रोनी देख के बच्चे कहते हैं वाओ, पिज्जा देख के बच्चे कहते हैं वाओ, बर्गर देख के कहते हैं वाओ। हाँ, तो देखिए दोस्तों, बस मैक्रोनी हमारी बनने ही वाली है, और आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे बना सकते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं, कभी कभार खानी चाहिए बच्चों। ये चीज़ें कम ही खाओ तो वही अच्छा होता है। और बस सब्जियां भी डाल दी हैं इसमें, और टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी हमारी मैक्रोनी बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो कर देती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। तो मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।